गाइस और बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल एडवेंचर एनिमल में। और बहुत दिन हो गए थे वीडियो बनाए हुए, मतलब कहीं मैं निकल नहीं पा रहा हूँ अभी, क्योंकि आप में से जिन लोगों को नहीं पता कि ट्रैवल मेरा पैशन है, मुझे मज़ा आता है, लेकिन मेरा एक बिजनेस भी है तो मुझे उसको भी थोड़ा सा संभालना पड़ता है। और जल्दी आप लोगों के लिए एक नई सीरीज़ लेकर के आने वाला हूँ। फिलहाल जो इस वीडियो के अंदर आए हैं, मैं आपको एक बहुत ही काम की इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। अगर आप बनारस जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको रुकने के लिए मैं दो ऐसी जगह बताने वाला हूँ कि आपको मज़ा आ जाएगा, मतलब आप होटल को भूल जाओगे आप। तो पहली जगह जो मैं आपको बताऊँगा वो है वंडर स्टेशन वाराणसी। इसमें आपको बंक बेड्स मिलते हैं डोरमेट्रीज में, और मेल डोरमेट्रीज अलग हैं, फीमेल डोरमेट्रीज अलग हैं। अगर आप कपल जा रहे हैं, साथ में जा रहे हैं आप, और आपको सेपरेट डोरमेट्री चाहिए तो वो भी आपको यहाँ पर मिलेगी। और बहुत हैपनिंग जगह है यहाँ पर। छत पे आपको सैटरडे संडे को क्लासिकल म्यूजिक और लाइव म्यूजिक जैसे प्रोग्राम्स होते हैं। इसी प्रॉपर्टी के जस्ट पास में राणा महल घाट है, जो कि उदयपुर के महाराजा ने बनवाया था। यहाँ पर भी आप जा सकते हो सुबह शाम जब भी आप फ्री हो। और काशी विश्वनाथ टेम्पल जो है वो भी यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। और भी जितनी अच्छी अच्छी जगह हैं सारी आपको आसपास में मिल जाएंगी। ब्रेकफास्ट यहाँ का बहुत अच्छा है, जो अभी मैं गया नहीं हूँ पर्सनली, लेकिन मैंने अभी तक जितने भी वीडियोस में देखा और जो भी रिव्यूज़ चेक किए मैंने, तो बहुत अच्छे होस्ट हैं वहाँ पर, मतलब आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो बेटर है कि अपना पैसा किसी होटल में डालोगे, उससे बेटर आप इस जगह पर जाइए। यहाँ पर आप बंक बेड ले सकते हैं। अगर आपको सेपरेट रूम चाहिए तो रूम्स भी अवेलेबल हैं, अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप यहाँ पर सेपरेट रूम्स भी ले सकते हैं। और जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो है गोस्ट ऑफ वाराणसी। ये प्रॉपर्टी भी मुझे बहुत अच्छी लगी, सेम वही कॉन्सेप्ट है, डोरमेट्रीज, बंक बेड्स, सेपरेट रूम्स भी हैं और बहुत हैपनिंग जगह है। नए दोस्त बना सकते हो आप यहाँ पर, और जो सोलो ट्रैवलर हैं उनके लिए तो मतलब ये दोनों जगह बेस्ट है, आप कहीं और ट्राई ही मत कीजिए। 700-800 रुपये में आपको यहाँ पर रात बिताने के लिए जगह मिलेगी और मस्त। वैसे भी आप लोग जो घूमने जा रहे हैं उनका ये वीडियो उन्हीं के लिए जो कि घूमने जा रहा है और उसको सस्ता स्टे चाहिए और अच्छा, मतलब वहाँ पर आपको और इतनी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी कि आप होटल में जाओगे ही नहीं। तो बहुत रिसर्च के बाद में मुझे ये दोनों प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छी लगी। तो अगर आप वाराणसी जा रहे हैं, वहाँ पर आप स्टे देख रहे हैं, अच्छा सस्ता स्टे देख रहे हैं, तो इन दोनों प्रॉपर्टीज़ में से किसी में भी आप रुक सकते हैं। बुकिंग के लिए मेक माई ट्रिप में आप जा करके डेट अपनी डाल करके और वहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस डेट को आप जाने वाले हैं, तो काफ़ी सारे ऑफर्स भी आते हैं, डिस्काउंट भी आते हैं। GoIBIBO के थ्रू भी आप बुक कर सकते हैं, वहाँ पर भी आप जा करके प्राइजेस वगैरह चेक कर सकते हैं जिस दिन सस्ता है। अभी तो खैर होली के चक्कर में बहुत महंगा हो रखा है वहाँ पर, मुझे खुद को जाना था लेकिन मैं गया नहीं क्योंकि बहुत भीड़ भाड़ है और हर जगह फुल है, तो मुझे थोड़ा शांति में शूट करना है बनारस। तो हाँ, मतलब जल्दी मेरे चैनल पर बहुत सारे आपको नए वीडियोज़ मिलेंगे। कुछ नए इक्विपमेंट्स मैं ऐड कर रहा हूँ अपने इस चैनल के लिए, जिससे कि मैं अपने वीडियोज़ को और बेहतर बना सकूँ। जो लोग जुड़े हुए हैं, सपोर्ट कर रहे हैं वीडियोस को, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग नए आए हैं चैनल पे, उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑल दबा दीजिए, जिससे कि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। मैंने 2 सीरीज़ बनाई है इस चैनल में जो कि थोड़ी सी पॉपुलर रही और लोगों ने पसंद किया, केदारनाथ सीरीज़ और लद्दाख सीरीज़। अगर आपने ये नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लीजिए। जो लोग नए हैं वो केदारनाथ के एपिसोड 1 से शुरू कर सकते हैं। अगर आप केदारनाथ जाना चाह रहे हैं तो वहाँ पर आप किस जगह पर रुक सकते हैं ये भी मैंने उन वीडियोस में दिखाया है। लद्दाख अगर आप जाने का आपका प्लान है तो वहाँ आप किस प्रॉपर्टी में रुक सकते हैं, और साथ के साथ मैं जहाँ पर जाकर के आया हूँ वहाँ अगर आप मेरा रेफरेंस देंगे या मेरा ये वीडियो दिखाते हैं तो आपको स्पेशल डिस्काउंट भी मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बहुत बहुत धन्यवाद, जल्दी मिलेंगे, थैंक यू।